वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज आज का हमारा CSS ट्यूटोरियल से रिलेटेड 37th वीडियो है, और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हम प्रीवियस टॉपिक के बारे में ही। आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर बैकग्राउंड की सीरीज़ चल रही है, और बैकग्राउंड की सीरीज़ में हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैकग्राउंड में एक इमेज कैसे लगाई जाती है। अगर बैकग्राउंड में इमेज लगा दी गई है और वो रिपीट हो गई हैं, तो उस रेपिटेशन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो उन सब टॉपिक्स के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन वीडियो को जाकर पहले वॉच कीजिए, तभी आपको ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि अब बैकग्राउंड में आपने इमेज लगा दी है और उस इमेज को रिपीट भी नहीं किया, सिंगल इमेज आपने रखी है उसको। ठीक है, अब चाहते हैं आप इसकी पोजीशन को चेंज करना, कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, ये लेफ़्ट साइड में है, टॉप पर है, ये लेफ़्ट साइड के बॉटम में आ जाए, या ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आ जाए, राइट साइड से बॉटम में आ जाए, तो ये सब पोजीशन आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, तो बैकग्राउंड पोजीशन में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ किस टाइप से हैं वो आपको शो करवाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी रहती है, वो है लेफ़्ट टॉप। ठीक है, सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी लेफ़्ट बॉटम। लेफ़्ट टॉप, लेफ़्ट बॉटम, वन बाय वन हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने बैकग्राउंड रिपीट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ जाकर वीडियो को वॉच कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन में क्या है, सबसे पहले क्या है, लेफ़्ट साइड में है और टॉप पर है, वो तो हमारी ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, टॉप की जगह यहाँ पर मैं कर देता हूँ बॉटम। जैसे मैं इसको बॉटम करूँगा, तो ये लेफ़्ट साइड से क्या हुआ, ये बॉटम पर आ चुकी हैं, ये बॉटम में उतनी ही नीचे जाएंगी जितनी आपकी इस कंटेनर की, इस डिव की हाइट होगी। इसकी अगर हाइट 650 है तो 650 लेगी, अगर 650 100 है तो ये देखिए इसकी जो लेफ़्ट साइड में बॉटम पर ये कहाँ गई है, जितनी उसकी हाइट है वो बिल्कुल एंड में चली गई है। मैं स्क्रॉल करके नीचे आया हूँ। ठीक है, जितनी आप हाइट देंगे उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगी। तो मैंने इसको हाइट 650 दी है, तो 650 के अकॉर्डिंग ये अपनी एडजस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये थी लेफ़्ट बॉटम। अब नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे राइट, राइट साइड की होंगी टॉप और राइट साइड में होंगी बॉटम। तो उनको अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करना है भाई, आपको करना है यहाँ से हटाना है और यहाँ पर लिखना है राइट की टॉप। ठीक है, तो राइट की टॉप पे देखिए मेरी जो इमेज है इसको सेव करते हैं, और देखिए राइट के टॉप पर यहाँ पर चली गई है। अगर आप इसकी राइट टॉप की जगह आप राइट बॉटम कर देंगे तो ये इसी जगह से बिल्कुल नीचे आ जाएगी इस टाइप से। ठीक है, तो ये मैंने फोर प्रॉपर्टीज़ की जो लिखी थी वैल्यूज़ वो मैं बता दी हैं। अब नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ है हमारी सेंटर। ठीक है, जैसे सेंटर देंगे तो यहाँ पर आइए, इस राइट बॉटम को हटाकर यहाँ पर सेंटर लिखेंगे तो आपकी इमेज बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगी इस टाइप से। ठीक है, अब वही चीज़ है, अगर आप सेंटर से इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर से भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर सेंटर के टॉप पर करना चाहते हैं, सेंटर के टॉप पर आप कर सकते हैं। अगर आप सेंटर के बॉटम में करना चाहते हैं, सेंटर के बॉटम में भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट, तो यहाँ पर सेंटर के टॉप पर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये सेंटर के टॉप पर चली गई हैं। ऐसे अगर आप सेंटर टॉप की बजाय सेंटर बॉटम में करेंगे, सेंटर बॉटम में आ जाएगी। ठीक है, होप्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसी के अंदर आपकी लेफ़्ट टॉप के अंदर भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेफ़्ट सेंटर। ठीक है, अब वो कैसे, अब यहाँ पर लेफ़्ट टॉप था, लेफ़्ट बॉटम था, इसी तरह से आपका लेफ़्ट सेंटर होगा, राइट सेंटर भी होगा। ठीक है, तो मैं सिंपल से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एट्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, लेफ़्ट से सेंटर, और नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है,
राइट से सेंटर, ठीक। अब हम अप्लाई करेंगे, इसको कैसे अप्लाई करना है, चलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसको लेफ्ट टॉप, लेफ्ट टॉप पर आ चुकी है इस टाइप से। अब टॉप की बजाय मैं यहाँ करता हूँ सेंटर, तो ये सेंटर में आ गई, यानी कि आप पूरी स्क्रीन पर घुमा सकते हैं इसको, ठीक है। अब लेफ़्ट सेंटर चली गई है, ऐसे आप चाहते हैं कि राइट के सेंटर में आ जाए तो ये राइट के सेंटर में भी आ जाएगी, ठीक है। तो होप ये प्रॉपर्टीज़ थी 9 की 9 प्रॉपर्टीज़, होप्स आपको समझ आ गया होगा ये कैसे वर्क की हैं, ठीक है। लेफ़्ट टॉप, तो लेफ़्ट साइड टॉप होता है, ऐसी लेफ़्ट का सेंटर भी होता है, लेफ़्ट का बॉटम भी होता है। सिमिलरली सेंटर का सेंटर भी होता है, और सेंटर का टॉप भी है, और सेंटर का बॉटम भी है। सिमिलरली राइट का टॉप है, राइट का बॉटम है, और राइट का सेंटर भी है। तो ये 9 की 9 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें आप अपनी इमेज की पोजीशन को चेंज कर सकती हैं 9 प्लेसेस पर, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा। और इस पोजीशन को देने के लिए हमारे पास और भी कई तरीके हैं, ऐसे कि हम इसको बैकग्राउंड पोजीशन को मैं यहाँ पर अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी इमेज है वो आपको यहाँ पर शो होगी, लेफ़्ट साइड में शो होगी। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर अभी चेक करवाता हूँ। सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड में कलर देने दो, तो बॉडी के मैं बैकग्राउंड में कलर दे रहा हूँ, कलर मैं चलो यहाँ पर ये देता हूँ और सेव करता हूँ, वही मेरा बैकग्राउंड में कलर आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं प्लेस करता हूँ पिक्सल्स में, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो यहीं पर आपने लिखना है बैकग्राउंड पोजीशन, जो कि वर्क करती है आपकी एक्स और वाई में, यानी कि सबसे पहले लिखोगे आप 40 पिक्सल एक्स से और 50 पिक्सल वाई से, तो देंगे आप, तो ये आपकी इमेज जो है बैकग्राउंड पोजीशन, ये इमेज आपकी चली गई है ईस्ट साइड, यानी कि लेफ़्ट साइड से कितनी आई है 40 और टॉप से 50। ऐसे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। अगर आपको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम समझ नहीं आया तो, वैसे बहुत इजी प्रोसेस है वो, पिक्सल्स को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बाकी इस टाइप से आप अरेंज करना चाहें तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के 90 कर दी मैंने, तो 90 हो गई एक्स से, और टॉप से ओनली वाई में कितनी होगी 50 हो गई। तो इस टाइप से आप बैकग्राउंड पोजिशन को पिक्सल्स में भी आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये बैकग्राउंड पोजीशन का टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, जैसे कि आप अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट आपका पूरी स्क्रीन पर आ रहा है, उसकी हाइट मान लीजिए 1000 पिक्सल्स हैं, तो आप अपनी इमेज को फिक्स करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, या आपकी स्क्रॉल पे इमेज भी स्क्रॉल होती रहे, तो वो आप कैसे दे सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना, और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लीजिए, आपको बैकग्राउंड के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।